दोस्तों यार आज बाहर बहुत बारिश हो रही थी, तो मैं सोच ही रहा था कि आज कौन सी गाड़ी की अनबॉक्सिंग की जाए। तो दोस्तों तभी मेरे को अपने डिलीवरी बॉय का फ़ोन आया कि आपका पार्सल आया है। तो गाइस मैं फटाफट किया, तो चलिए अपना पार्सल ले आते हैं। तो दोस्तों हमारा जो पार्सल था वो आ चुका है यहाँ पे। गाइस मैंने एक बुगाटी शिरोन की मॉडल कार मंगाई है, तो चलिए गाइस अब करते हैं इसे अनबॉक्स। तो दोस्तों जो हमारी जो आरसी कार थी वो आ चुकी है, तो यहाँ पे गाइस इस पर कुछ पानी की बूंदें गिर गई क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही है। तो गाइस आप देख सकते हैं यार मैंने यहाँ पे बुगाटी शिरोन का मॉडल यहाँ पे मंगाया है। तो गाइस यहाँ पे कुछ मैं आपको इसकी डिटेल बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है लग्जरी, और यहाँ पे गाइस इसके अंदर हमें चार तरह के इसके फीचर मिल जाते हैं, जिसके अंदर हमें इसके अंदर ओपन डोर का फीचर मिल जाता है, लाइट्स का फीचर, और यहाँ पे सस्पेंशन वाले व्हील मिल जाते हैं, और यहाँ पे फुल फंक्शन आ सकता है। और यहाँ पे गाइस हमें इस कंपनी की तरफ से यहाँ पे देखने को मिल जाती है गाइस, जिसका नाम तो यार बहुत खतरनाक है। अगर आपको समझ में आ गया क्या नाम है तो गाइस आप कमेंट करके जरूर बता दें। यहाँ पे गाइस ऊपर की तरफ यहाँ पे सिमुलेशन चैंपियन कार्स करके लिखा गया है, और यहाँ पे इसका स्केल साइज है 1:14 के स्केल साइज में गाइस हमें यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ पे बैक साइड गाइस इसका एक हमें एक और कलर में मॉडल देखने को मिल जाता है जो रेड एंड ब्लैक कलर में है, और यहाँ पे इस मॉडल कार करके लिखा गया, और यहाँ पे उसके सेम फंक्शन यहाँ पे बताई। तो देख सकते हैं आप हमारी जो आरसी कार है वो पूरी रियलिस्टिक लग रही है। तो चलिए गाइस इसे अनबॉक्स करें। दोस्तों आप इस कार को बाय करना चाहते हो तो आपको इसका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उधर से बाय कर सकते हो। तो चलिए गाइस अब अपनी कार को बाहर निकाल सकते हैं। कार से बाहर निकल चुकी है, तो यहाँ पे जो हम इसको लॉक करके रखेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी लॉक किया उसे खोलेंगे। अगर दोस्तों आपने मेरी पिछली वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आपको उसका लिंक और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उधर से वॉच कर सकते हो। चलिए गाइस हमारी जो कार है वो तो निकल चुकी है बाहर, और यहाँ पे इसका रिमोट भी निकाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा जो रिमोट था वो भी निकल चुका है। दोस्तों हमें इसके अंदर इसकी बैटरीज मिल जाती हैं, चार डबल ए साइज़ की बैटरी। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं बाहर। तो यहाँ पे गाइस जिन्होंने इसे बबल टैप करके रखा हुआ है, गाइस हमारी जो बैटरी है वहाँ पे निकल चुकी है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे इसके चार डबल ए साइज की बैटरी मिल जाती है, जो पर बैटरी 700 mAh की है, और 1.2 वोल्ट की यहाँ पे गाइस एक बैटरी है। यहाँ पे हमें इसका एक USB चार्जर मिल जाता है। तो यहाँ पे गाइस आप अंदर की तरफ देख सकते हो यार पूरा रियलिस्टिक कार का लुक दिया गया है। लाइट चली गई, तो दोस्तों यहाँ लाइट आ चुकी है। तो गाइस यहाँ पे थोड़ी दिक्कत रहेगी क्योंकि आज बारिश का मौसम है, तो लाइट का थोड़ा दिक्कत ही रहेगा। तो चलिए गाइस मैं इसको इसकी फटाफट आपको डिटेल बता देता हूँ। तो यहाँ पे सामने की तरफ गाइस हमें यहाँ पे दो इसकी हेडलाइट देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जो गाइस जो हमें इसका कवर मिल जाता है वो पूरा एक कांच का बना हुआ है। यहाँ पे इसकी हमें एक विंडशील्ड मिल जाती है, और यहाँ पे गाइस इसके जो डोर है वो ओपन भी होते हैं। यहाँ पे गाइस इसकी जो छत है वो अपने आप इसके अंदर चली जाती है, और यहाँ पे ये बंद हो जाती है। तो यहाँ पे गाइस भी बैक साइड हमें इसकी लाइट्स देखने को मिल जाती हैं, और नीचे की साइड गाइस यहाँ पे इसका बैटरी कंपार्टमेंट है रोकने के लिए। तो गाइस यहाँ पे इसका ऑन ऑफ बटन है, और यहाँ पे साइड में गाइस इसका चार्जिंग बटन, चार्जिंग पे होने के लिए ऑप्शन है। तो दोस्तों इन्होंने बताया था कि इसके अंदर सस्पेंशन मिल जाते हैं, लेकिन गाइस इसके अंदर एक भी सस्पेंशन नहीं लगाया गया, ये गाइस बहुत ही ख़राब बात है। और गाइस हमारी जो आरसी कार है गाइस पूरी असली कार की पेंट लगती है, इसके साथ गाइस हम थोड़ा सा फोटोशूट भी करेंगे। तो गाइस आप 500 सब्सक्राइब करा दो तो तभी मैं इसकी कोई फोटोज आपको बता सकता हूँ। तो चलिए गाइस इसके अंदर हम फटाफट बैटरी शो कर लेंगे। तो यहाँ पे गाइस इसका बैटरी कंपार्टमेंट इसे ओपन करके यहाँ पे गाइस चार डबल ए साइज़ की बैटरी जो हमें इसके साथ ही मिल जाती है वो आ जाएंगी। तो दोस्तों बैटरी इसको अब लग चुकी हैं, और अब हम इसका कवर भी लगा देते हैं। तो चलिए गाइस अब अपनी आरसी कार को यहाँ से ऑन भी कर लेते हैं। तो अपनी कार को रखते हैं गाइस यहाँ पे साइड में, और अब अपने रिमोट के अंदर 2AA साइज़ की बैटरी। तो चलिए दोस्तों लगा लेते हैं इसके अंदर बैटरी। तो दोस्तों अब इसका कवर भी लगा लेते हैं यहाँ पे। तो गाइस मैं आपको इसकी क्वालिटी भी बता देता हूँ। यहाँ पे गाइस इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी दी गई है इसके प्राइस के हिसाब से। इसका जो प्राइस है गाइस हमें 600 में मैंने इसको परचेज़ किया था। तो गाइस इसकी जो क्वालिटी वो काफ़ी अच्छी है। और दोस्तों यहाँ पे इसका जो रिमोट है उसकी क्वालिटी यहाँ पे थोड़ी सी घटिया दी गई है, आप देख सकते हैं आप कितने आराम से यहाँ पर मिल जा रहा है। चलिए गाइस अब चलते हैं बाहर और कुछ करते हैं टेस्ट।
हूँ।